today. I want to shed some light on Social Anxiety Disorder, which is what I was diagnosed when I was 18 years old. Kisa, you mentioned me that you have Social Anxiety Disorder. इसी कोई बैक स्टोरी है इज देर अ रीज़न और समथिंग अप टिल फ्यू मंथ्स अगो मुझे भी नहीं पता था कि ये मुझे क्यों होता है एक 18-19 साल की लड़की जो कि नॉर्मली बैठ के टीवी देख रही है और एकदम से हार्ट पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती हैं और बस मैं अपनी अम्मा को बोल रही थी कि अम्मा कुछ हो रहा है उलझन आ रही है बस एंड आई जूज़ टू स्टार्ट शिविरिंग और अम्मा मेरे ऊपर दस ब्लैंकेट्स ला के रख रही हैं मेरी फिर भी शिविरिंग नहीं रुक रही डेंगी का टेस्ट करा करा लिया मलेरिया का टेस्ट करा लिया नथिंग सो यू नो एंड डॉक्टर के पास गए टू दे सैड कि आई थिंक शी हैज़ एन्जाइटी शी नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट बट यू नो एक पेरेंट्स का एक वो थोड़ा टिपिकल होता है ना कि उनको मेंटल हेल्थ का पता नहीं होता तो दे व लाइक कि ये होता क्या है ये चीज़ थी मैंने जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ उसके बाद मैंने खुद एक साइकोलॉजिस्ट को मैंने अप्रोच किया एंड व्हेन डिड शी पास अवे 2 इयर्स अगो ओके या एंड दैट वाज अराउंड द टाइम कि आपको ये वाले सिम्टम्स भी फील हो रहे थे तीन साल हो चुके थे ये सिम्टम्स फील होते हुए uh -huh. और पहले छः-छः महीने के गैप से होते थे फिर महीने-महीने हो गए अम्मा की डेथ के बाद हफ्ते हफ्ते पे हो गए वो वो क्योंकि वो एक और एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly, exactly. तो मुझे समझता आ रहा था समथिंग रॉन्ग बट एक डॉक्टर को ज्यादा बेहतर पता है hmm. तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि यू नो कभी कभी बताया नहीं जाता उन्होंने कहा एक डायरी बनाओ डायरी में अपने बचपन से लेकर आगे तक की सारी चीजें लिखो सो डू यू रिमेंबर द फर्स्ट डे यू रोट अ डायरी पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ क्या करूँ बिकॉज दे वॉज बचपन से बट मैंने अपने वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन किया मैंने एक एक करके लिखी लाइक like, किया पूरी yes, exactly. उसका मकसद ही ये था कि मेरे इमोशंस बाहर आए आई वॉज गेटिंग इमोशन लेस तो लाइक जा रहा था एक्जैक्टली yeah, एग्जैक्टली exactly, exactly. तो वो एक ब्लैक होल में जा तो रहा था लेकिन एक क्लोजर जिसको कहते थे exactly, नहीं मिल रहा नहीं था।, था तो जो इंसिडेंट था वो ये था दैट आई वॉज सिक्स ईयर्स ओल्ड एंड मेरे फादर को हम लोग कराची में ही रहते थे फादर को एक बिजनेस ट्रिप से इस्लामाबाद जाना था फॉर टू डेज और आपकी अम्मी कहाँ पे थी अम्मा घर पे ही थी क्योंकि बड़ी बहन थी उसका वो छः साल बड़ी थी मुझसे तो उसका तो स्कूल का बड़ा पीक टाइम था मेरा थोड़ा मस्ती मस्ती वाला टाइम था सिक्स सिक्स आई शी सो मैंने जिद की कि भाई मुझे भी जाना है इस्लामाबाद मुझे भी जाना है तो अब्बा खैर मुझे ले गए अच्छा मैं और बाबा होटल में होते थे एक दिन सिंस ही वॉज अ जर्नलिस्ट तो उनको एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया ऑफिस में तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पिक करके और अपने फ्रेंड के घर पर छोड़ देता हूँ वो एज़ ए फैमिली फ्रेंड हाँ। बचपन से मतलब मज़ीद बचपन से जानती थी मैं हाँ। तो अच्छा वहाँ मैं रुक तो गई जिद कर कर कि अच्छा हाँ मैं यहाँ नाइट स्टे करूंगी नाइट स्टे करूँगी होता है ना बचपन हाँ। में हाँ। तो सुबह जब मैं उठी तो वहाँ की आ, मतलब जो मेरे बाबा के दोस्त और उनकी वाइफ थी वो लोग अपने ऑफिस चले गए अच्छा मुझे ये आइडिया नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होगा सुबह मैं किली हूँगी घर पे उनकी मेड एक साथ थी ठीक है हाँ तो मैंने उनसे बोला कि बाजी मुझे ना आप कार्टून लगा दें तो मैं नॉर्मली अब बेड पे लेटी हुई हूँ एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज वेयरिंग जस्ट माय फेवरेट डेनिम स्कर्ट और अपना वाइट टी शर्ट में पहनी हुई थी यूं ना नॉट बांध के और मैं लेटी हुई और मैं अपना कार्टून देख रही थी तो वो जो बाजी थे तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ना सौदा लेके आ रही हूँ यहीं रहना मैंने कहा अच्छा ठीक है थोड़ी देर दे बाद वन ऑफ देयर सर्वेंट्स मुझे नहीं पता था कि घर पर और कौन कौन था मैं तो एक रूम में थी तो ही वॉक टेन और उन्होंने ना ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा तो मैंने उठ के सलाम किया उन्होंने बोला देखो देखो तुम कार्टून देखो मैं फिर लेट गई ही केम एंड मैं ऐसे ना बच्चे जैसे टांगे ऊपर करके बैठे हुए होते ना मैं इस तरह से बैठी हुई थी तो ही केम एंड ही सैट इन फ्रंट ऑफ मी अच्छा मुझे जाहिर बच्चे को क्या पता कि इस टाइम पे क्या गलत है क्या सही है तो ही स्टार्टेड टचिंग माय लेग एंड उस वक्त मुझे थोड़ा हुआ मैंने कहा अंकल नहीं करें गुदगुदी हो रही है तो उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा एंड ही केम टू दैट पॉइंट वीर ही टुक ऑफ माई क्लोथ्स ही took ऑफ his क्लोथ्स एंड ही took me to another room I आई lucky लकी इनफ कहते हैं शायद माँ की दुआ थी या वो क्या था कि गेट पे गाड़ी का हॉर्न बज गया एंड ही जस्ट पुट माई क्लोथ बैक ऑन और उन्होंने मुझे वहीं का वहीं वापस रख दिया अब एक बच्ची हो के मुझे ना मैं अपने फादर से बहुत अटैच हूँ मुझे ये था यार मैंने घर जा के किसी को बताया अम्मा ये ना बोलें कि अब्बा क्यों छोड़ के गए तुम्हें वहाँ पे अब्बा को कुछ ना बोलें या ऐसा ना हो मेरा कहीं पर रुकना रुकाना बंद हो जाए तो यू uh, जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था यस yes, यस yes, क्योंकि अम्मा बचपन से ये तो चीज़ें बताती थी कि बेटा कोई अंकल को हाथ नहीं लगाने देना ऐसे अब्बा के दोस्त भी हो ना बस सर पे हाथ रख सकते हैं गाल पे प्यार नहीं कर सकते चूम नहीं सकते तुम्हें तो ये चीजें तो बचपन से मुझे सिखाई गई थी लेकिन एक डर आ गया था कि मैं घर पर क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ मुझसे भी एक्सप्लेन नहीं बच्ची साल की बच्ची कैसे करेगी नहीं कर सकती है तो मूविंग ऑन मैंने किसी को कभी ये चीज़ बताई नहीं सो so, uh, उसके बाद से काफ़ी ये हुआ कि मैं ना एक बहुत बदतनीज़ बच्चा बन गई आई स्टार्ट थ्रोइंग ट्रम्स और सबको ऐसा क्यों होता था, था कि मतलब छोटी है लाडली है शायद इसलिए कह रही है वो चीज़ होती गई होती no गई।

Um, इतने सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे अचानक से एक दिन यू नो या उनकी कोई हैबिट्स होती हैं फॉर एग्जांपल नेल बाइटिंग यू नो थ्रोइंग टैंट्रम्स क्राइंग बट वी प्रॉबली डोंट टेक आउट टाइम टू थिंक इसका अंडरलाइन कॉज क्या है क्या घर के माहौल में कुछ है या कोई ऐसी चीज़ बच्चे ने फेस की है विच इज़ मेकिंग दैम बिहेव दैट वे एंड आई थिंक इट्स so important that you pointed this out right now exactly definitely अच्छा उसके बाद जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में एंटर हुई I was in grade सेवन एट तब ये हुआ कि मेरे साथ बुलियंग बहुत शुरू हो गई अब वो एक प्यूबर्टी वाली एज मुंह पर दाने निकल रहे हैं फेशियल हेयर आ रहे हैं सो यू नो उस पर लोगों का चिड़ाना थोड़ी सी मैं थोड़ा बॉय टाइप थी और मुझे कोई वो तैयार व्यार होने का मुझे ऐसा शौक़ नहीं होता था काफ़ी लड़कियाँ होके आती थी तैयार उस एज में भी तो मुझे उस चीज़ के लिए बुली करना कि इसके तो दाने हैं अरे है इससे दूर रहो दाने लग जाएंगे यू you नो know, ये ये चीज़ें सुनना अच्छा घर आके मैं इसलिए नहीं बताती थी कि यार घर आके कर बताऊँगी मुझे ना अपना स्कूल बहुत पसंद था मैं कहती थी अम्मा स्कूल ना बदल दे मेरा मैं ये सोच के नहीं बताती थी क्योंकि कभी मुझे किसी ने बिठा के ये बोला नहीं कि बेटा बताओगी ना तो हम डील करेंगे इस चीज़ से मुझे ये नहीं बोला किसी ने सो तो, स्कूल में ये चीज़ भी हुई इस हद तक हुई ओ लेवल्स तक कि मुझे एक ग्रुप था विच वॉज अलीट ग्रुप हमारे स्कूल का और उन्होंने ऐसे बोला एक लड़के को कि ब्रेक में ना इसको जाके घुटनों पे बैठ के फूल दो और ये जब लेने लगे ना तो इसकी बेइज्जती कर दो कि तुम्हें कौन देगा तुम्हें थोड़ी दे रहे थे और ये मेरे साथ हुआ और प्रैंक और मेरे ना पैरों तले जमीन खिसक गई उसके बाद से कवर मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि मेरी कोई तारीफ भी ना करता था तो मैं कहती थी आप अंधे हैं क्या मेरी कोई तारीफ़ भी करता था ना मैं इस हद तक हो गई थी और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ये दो तीन दो साल पहले तक मैं ऐसी थी मे मैं ख़ुद को शीशे में देख के ना मैं खुश नहीं होती थी एंड यू स्टिल वर नॉट टेलिंग एट होम अबाउट एनी ऑफ दिस क्योंकि आपको no, बहुत another. से डर थे कि या तो स्कूल से निकाल देंगे exactly. या अंडरस्टैंड नहीं करेंगे exactly. आपने अपने आप को ये सारी चीज़ें बताई हुई थी कि बस नहीं बताना यस एग्जैक्टली एंड आई रिमेम्बर ए लेवल्स का मेरा सेकेंड ईयर था और उसमें हमारे स्कूल में दे वॉज अ कोई आर्ग्यूमेंट था और उस उसमें दे वॉज अ फाइट एंड देर ट्वेल्व बॉयज जिसमें से दो ने मुझे भी मारा था मैंने भी मारा था ऐसी बात नहीं है पलट के लेकिन इस हद तक मारा था कि मुझे दरख्त पे धक्का दे मारा था उन्होंने मेरी पूरी पीठ पे निशान आ गए थे छिल गई थी मेरी पीठ और जब मैं घर आई ना उस वक्त मुझे ये बच्चा मैं डायरेक्ट अपने घर नहीं गई मेरी क्लास फेलो मेरे घर के बिल्कुल सामने रहती थी मैंने कहा मैं पहले तुम्हारे घर आके थोड़ी देर काम डाउन हो जाऊँ उसने मुझे थोड़ा सा काउंसिल किया कि किसा बताओ जाके तुम्हारे पेरेंट्स हैं दे आर हेयर फॉर यू तो मैंने खैर जाके पहले मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा ऐसा ऐसा हुआ है अम्मा ने कहा अच्छा अब्बा अब्बा के पास बैठो मेरे पास बैठो बताओ क्या हुआ मैंने कहा अम्मा ऐसे ऐसे दोस्त के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई थी और उसके दोस्त आगे से आ गए मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग हो गई ये हुआ मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या करना है मैंने कहा अम्मा मुझे उन दो लड़कों को स्कूल से निकलवाना है अम्मा ने कहा कल चलते हैं स्कूल और हम स्कूल गए और उन लड़कों को सस्पेंड फॉर द टाइम बियंग किया गया उनके पेरेंट्स को बुलाया गया फिर उन्हें नेक्स्ट ईयर स्कूल से निकाल दिया गया was तो, that for you? Yes, it was. Exactly. और सिर्फ पेरेंट्स का नहीं मुझे हुआ कि यार मेरे प्रिंसिपल ने बैठ के अम्मा अब को बाहर बिठा के पहले मेरी बात सुनी तो मुझे हुआ यार कोई अच्छा कोई सुनता भी है यहाँ पर mm -hmm. ये उस वक्त मुझे एक फीलिंग जो आई ना उसके बाद से फिर मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हुई बिकॉज़ वो कॉलेज का आखिरी साल था यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं अपनी एंटर हुई तो फिर मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आ गया कि कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता मैं अपने क्लास वालों को मेरे मैं पढ़ाकू बच्चा थी सबसे आगे बैठ के और नोट्स हाँ। बनाना बाकी पीछे वो बैक बेंचर्स पार्टी अपनी कर रहे होते थे तो उनका होता था, था अच्छा हम आज ना बीच पार्टी पर जा रहे नोट्स भेज देना मैं कहती थी क्यों भेजो तुम लोग क्या करोगे बदले में मेरे लिए तो मैं इस हद तक वो एम्पावर हो गई थी लेकिन जो मेरे वो बचपन का एक इंसिडेंट था ना कवल उसने मुझे अंदर से तोड़ा हुआ था और वो मैं किसी को बता नहीं पा रही थी फिर एक टाइम आया दो तीन दोस्तों से मेरी क्लोजनेस हुई ना तो मैंने उन्हें बताई ये चीज़ एंड बता के मुझे हुआ कि यार इन्होंने कुछ गलत तो नहीं सोचा मेरे बारे में बताने में क्या हर्ज है और उसके बाद फर्स्ट टाइम आपने किसी को ये बात बताई yes, थी exactly. और ये आपकी फीमेल फ्रेंड्स थी या मेल थे दो मेल फ्रेंड्स थे एक फीमेल फ्रेंड थी ठीक है सो so, उस वक्त एक You know, एक लड़की जो कि बचपन से इस चीज़ से डरी हुई सहमी हुई थी उसने जब जाके ये बात किसी को बोली एंड यू नो जब आप ये किसी को बताते हो तो आपको शायद सामने से मे भी शायद ड्रामाज या मूवीज देख के मेरे जहन में ये था कि मुझे बहुत नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा कि यू ये हुआ है तुम्हारे साथ यू मेरे जहन में ये था कि आपको शेम करेंगे एक्जैक्टली कि शायद वो मेरी गलती थी मुझे नहीं रुकना चाहिए था या yeah, मुझे वो स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए था एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट एक होता है ना I जिस know. तरह से आपके ड्रामा जिस तरह से मूवीज आपकी एक माइंड सेट डिवेलप कर देती हैं सोसाइटी एक माइंड सेट डिवेलप कर देती है सो so, जो ये यूनिवर्सिटी का टाइम मेरा आया ना इसने मुझे बहुत बिल्ड किया है जब आपने अपने फ्रेंड्स को बताया हुँ. पहली दफ़ा कि ये मेरे साथ हुआ था yeah. उनका क्या रिएक्शन था उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि कैसा बचपन की चीज़ थी ना वो हुई अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि तुम ये किसी और के साथ होने से रोक सको उसको शायद तुम किसी और को ये अवेयरनेस दो कि अपने बच्चों को ऐसे छोड़ा नहीं करें तो दैट वाज देयर एडवाइस कि इस तरह से आप खुद ही हो सकती हैं एक्सैक्टली एंड आई थिंक इट वाज अ गोल्डन एडवाइस क्योंकि फिर मेरे कजिन्स के बच्चे या कुछ भी उनको मैंने डायरेक्टली अपनी स्टोरी तो नहीं बताई लेकिन मैंने बताया कि ऐसा होता है ये नहीं करो कि दो घंटे बाहर जा रही हूँ नेबर के पास छोड़ दिया चाहे वो बेटा है या चाहे वो बेटी है चाहे आप मेल के पास छोड़ें चाहे आप फीमेल के पास छोड़ें हंड्रेड परसेंट इट्स इट्स नॉट सेफ इट्स नॉट सेफ सगे चाचा मामू पे भी भरोसा नहीं कर सकते इन चीज़ों में सो मूविंग ऑन जब मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ हाँ. तो बेसिकली अम्मा के डेथ से एक महीना पहले मेरी बड़ी बहन की रुखस्ती थी एंड माई मॉम वॉज इल सिंस सेवनटीन ईयर्स शी हैड लिवर सरोसिस विच इज़ टाइप ऑफ लिवर कैंसर तो जब अम्मा के डेथ से कुछ दिन पहले ना मेरा कुछ इसी तरह का मैंने टेंट्रम थ्रो किया था किसी बात पे तो अम्मा बैठी मेरे सामने अम्मा ने कहा मुझे बताओ क्या हुआ क्यों कर रही हो इस तरह से क्यों मेरे साथ बदतमीजी करती रहती हो तो मैंने कहा अम्मा यार आपको नहीं पता ना आपको नहीं समझ आएंगी मेरी बातें तो मैंने कहा बेटा कोशिश तो करो समझाने की कोशिश करो तो शायद समझ समझ पाऊँ तो मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा मुझे ना इस तरह से पाने के अटैक्स होते हैं एनजाइटी अटैक्स होते हैं अम्मा ने कहा मुझे यूट्यूब पर दिखाओ ये क्या होता है तो मैंने फिर अम्मा को बताया तो अम्मा ना रोना शुरू हो गई मैंने कहा अम्मा यार रोए अम्मा तब मैं बता नहीं सकूँगी आपको वरना <laughs> मुझसे ना किसी के सामने नहीं रोया जाता मैं अपनी मेरी अम्मा मुझे डांटती भी थी ना तो मैं दीवार पी देखती रहती थी मैं इतना इमोशनलेस हो चुकी थी अम्मा मुझे हिलाती थी कुछ तो जवाब दो कुछ तो बोलो कुछ नेगेटिव बोलना है बदतमीजी करनी है कुछ तो बोलो आगे से मैं खामोश रहती थी सिर्फ जब एनजाइटी अटैक होता था ना तब, तब मैं झिल्लाती थी तब मैं और उसका कोई रीजन नहीं होता था कवल कुछ भी ट्रिगर कर बैठे, कर सकता था। बैठे ट्रिगर करता था और ऐसे मोमेंट्स आ गए थे अम्मा की डेथ के बाद स्पेशली बिकॉज घर में इट वाज जस्ट मी एंड माय फादर बहन की भी शादी हो गई थी अम्मा का इंतकाल एक महीने बाद हो गया मेरा थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया था इन द सेंस कि मुझे एक मोमेंट याद है कि मैं अपने बेड पे लेटी हुई हूँ और दूसरा मोमेंट याद है कि मैं कपड़े पहन के शावर के नीचे पानी खोल के खड़ी हुई हूँ उसके बीच का बिल्कुल उसके बीच का मुझे नहीं याद कि मैं कब वॉशरूम तक चल के गई हूँ मैंने क्या किया है मैं रोई हूँ मैंने क्या किया मुझे कुछ नहीं याद रहता था एक इंसिडेंट इवन ऐसा था दैट आई लॉक माई सेल्फ इन साइड अ कबर्ड फॉर नो रीज़न एट ऑल कोई किसी ने मुझसे बात नहीं की थी वो इतना इसके लेट जब हो गया था ना तो मैंने बोला नहीं यार मेरी वर्क लाइफ इससे अफेक्ट हो रही है मेरी स्टडी लाइफ अफेक्ट हो रही है मेरा अपने अब्बा के साथ रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है आई कॉन्ट लेट दिस हैपन टू मी एंड द पीपल अराउंड मी तो मैंने फिर उस वक्त अच्छा जाने में डर लगता था मुझे कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ ऐसा ना हो कि यू you नो know, वही हरासर निकले भी करे या exactly, ही कर दे। exactly. तो मैंने खैर ऑनलाइन उस वक्त एक पता था तो उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की मुझे क्योंकि सोने में मसला होता था बहुत उन्होंने बोला मेडिसिन खाओ सो जाओगी कुछ अरसे तक तो अच्छा हो गया वर्क लाइफ भी सही हो उस, उस पे उन्होंने आपको कोई सही से डायग्नोस नहीं किया था आपको अच्छा sort of बस, ही medicine बस दे दी। ऐसे ही बस ऐसे ही मेडिसिन दे दी थी तो अब यही है ना कि यहाँ पे फिर माशाल्लाह से फ्रॉड भी तो इतने बैठे हैं ना लोग hmm. इस चीज़ से मैं फिर जब उसके एक दो हफ्ते बाद दोबारा से मुझे एनजाइटी अटैक्स होने शुरू हो गए तो मैं फिर डर गई मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी अब मैं डर इस चीज़ से गई कि मैं किसके पास जाऊँ मैं क्या बोलूँ मैंने ये किया मैंने एक होता है ना दिल हल्का करने के लिए मैंने अपने सोशल मीडिया पे ऑन माय फेसबुक अकाउंट आई रोट माय स्टोरी अबाउट दिस अबाउट दिस फॉर माय फ्रेंड्स इन ऑल आई रोट दिस उसमें पता है कवल मुझे लोगों ने क्या मैसेज किया कि तुमने क्यों लिखा है ये सिंपथी गेन करना चाह रही हो बेचारी बनना चाह रही हो सबसे ज़्यादा कॉमन यही औरत को वो मैंने, मिलता है. मैंने एक अवेयरनेस के लिए पोस्ट किया था कि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो और मेरे साथ ऐसा हुआ है उसके बावजूद मैं ठीक सही सलामत में हूँ मैं, मैं जॉब कर रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ मैं अपने घर का ख्याल रख रही हूँ अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ भी योर लाइफ डज़ नॉट स्टॉप देर लेकिन उस पर जब मुझे लोगों से ऐसा रिएक्शन मिला तो मैं डर गई कि यार मैंने बता के गलत किया क्या मैं अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को बताऊँगी तो क्या वो भी मुझे यही बोलेंगे बेचारी बन रही हो सिंपथी गेन कर रही हो मैं इसमें बेचारी क्यों थी मेरी गलती इसमें क्या थी इट वॉज न माई फॉल्ट ये रियलाइज़ मुझे हुआ कुछ महीने पहले ऐसा नहीं है कि मुझे ये बहुत साल पहले रियलाइज़ हुए ये मुझे कुछ महीने पहले रियलाइज़ हुआ और सामने से कोई मुझसे मिले ना मेरे साथ तीन चार दिन रुके भी उसको लगेगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है मुझे सुनने को सिर्फ एक चीज़ मिलती थी तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स है इतने हज़ार दोस्त हैं तुम्हारे तो और वो जो दोस्त थे वो यही बेचारी बोलते थे सिंपैथी गेन करने वाली बोलते थे right. वो ये दोस्त थे मेरे तो मैंने अपने आप को आइसोलेट एक टाइम ये आया मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया जो जिन्होंने बचपन में मुझे हरास किया था उस आदमी की तरह के लोगों से मुझे घबराहट होने लगी वो उसकी शक्ल ना अभी तक मैं छः साल की थी मेरे दिमाग में उसकी शक्ल है अभी तक उस तरह का आदमी चाहे वो मेरे अब्बा के कोई खालू या कुछ हों चाहे वो मेरे मामू चाचा जैसे हों या चाहे वो अब्बा के कोई दोस्त हों मुझे घबराहट ऐसे लोगों के पास है मैं शायद अपने दोस्तों से चिल रहती हूँ जो मेरी एज के हैं लेकिन उस एज के लोगों से ना मैं घबराने लगी हूँ और मैं शायद अब तक मैं घबराती हूँ बिकॉज़ माई ट्रीटमेंट इज़ स्टिल गोइंग ऑन मैं अब तक घबराती हूँ ऐसे लोगों से बट देर आए दुरुस्त आए मैंने अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट की यू फाउंड फाउंड अ अ गुड गुड साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट। आई ठीक है। जिन, जिनका मैंने बताया कि उन्होंने मुझे डायरी लिखने को बोली और उनको मैंने एक एक चीज बताई एंड शी मेड मी फील सो कमल सो कमेबल अच्छा उन साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे पास्ट के बारे में तो पूछा

किसी एक का भी उससे शायद माइंडसेट चेंज होता है अपनी औलाद को लेके या अपने लाइफ एक्सपीरियंस को लेके तो वो मेरी जीत है आई वन सो मैंने ये चीज़ दोबारा से आई पोस्टेड इट ऑन माई स्टोरीज इन डिटेल आई मेड अ वीडियो अबाउट इट ऑन माई प्राइवेट अकाउंट एंड आई पोस्टेड दैट अगेन लोगों के आई कमेंट्स लेकिन बहुत लोगों के इतने अच्छे कॉमेंट्स आए कि वाओ यू आर सो स्ट्रांग एंड योर मदर मस्ट बी सो प्राउड ऑफ़ यू योर फादर मस्ट बी सो प्राउड ऑफ़ यू यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ नाओ तो जब मुझे लोगों के ये कॉमेंट्स आए ना तो मैं एकदम यूँ हो गई कि ओके गुड यार सो so, मैं वापस अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास गई उन्होंने कहा देखें ऐसा ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कि देखो इस चीज़ को कैसे कैसे क्लोजर अपने हर लाइफ के इवेंट से करना ये तुम बताओगी मुझे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना मेरा काम है एंड देन उस चीज़ के बारे में तुम कभी नेगेटिवली सोचो नहीं अपनी लाइफ को इम्पैक्ट ना होने दो दैट इज़ माई जॉब सो वो करते करते अब अलहमदिल्ला आई एम वर्किंग एट एन एन जी ओ एंड अब वहाँ पर जब मैं देखती हूँ ना कि कोई आ, रेप केस जो है वो सॉल्व हुआ है और किसी को जेल हुई है तो मुझे दिल से इतनी खुशी मिलती है न और इसीलिए इट सो इम्पॉर्टेंट कि आप जैसे लोग आके अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं बिकॉज यू नो समाइम्स जो चीज़ पेपर पर पे होती है या टेक्निकली रिटर्न होती है वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए इनएक्सिबल होती है yes. लेकिन जब हम अपनी स्टोरीज से या अपने, अपने एक्सपीरियंसिस से ये बातें शेयर करते हैं तो लाइक थ्रू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया यू कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल एंड इट हैज़ हेपेंड द टाइम हैज़ कम दट वी कैन से वॉट हैपन टू अस एंड